कहाँ पर है, कहाँ पर बता चलो। स्पॉट पर यहीं पर लगा है। कॉल पर हम पानी भरने के लिए आए थे। अच्छा, पानी भर रहे थे, इतने में पटाख भैया आवाज किया, हम और कुछ नहीं जानते। अच्छा, क्यों घायल हुआ था? हम घायलों के नहीं, हम देखे सर। दुकान अभी है ना? दुकान है सर, लेकिन नहीं थे ना तक दुकान पर, बाल्टी लगा पानी लाने के लिए। गोली लगा। हाँ, कैसे लगा है गोली? गोली लगा था, उधर से आ रहा था, उसको खाली बोला से भैया जा रहा है, भैया जा रहा है, उतने में गोली चला दिया ना। और उसके बाद चलाया था, शिवम नाम है उसका, लाल शर्ट पहना हुआ था, मर गया। हाँ, इतने हुआ, हम देखे उसको गोली चले गए। कहाँ का रहने वाला था? एक नंबर हॉस्टल का, हॉस्टल का लड़का था मैं, बार बार का सब लड़का नहीं, सब जगह का रहता है। क्यों गोली चलाया है? हुआ था, गाली बग गया था, तो हम लोग आए थे चाय पीने के लिए, घूमने आए थे, वो लोग बैठ के गांजा पी रहा था, तो हम लोग वहाँ पे चल गए, वैसे ले चल जल यहाँ से निकल बोल दिया। उसके बाद वो थोड़ा पीले था, वो गर्मा गया कि हम लोग आते थे उधर से पीने, फिर डंडा लेके आया वो दौड़ल दौड़ल, उसके बाद उतने में गोली चला दिया। आपके कौन थे जिनको गोली लगा है? वो हम उनका भाई थे, भैया लगते हैं सर, दोनों भैया हैं, दोनों अपना भाई है, दोनों मुसेरा भाई है सर। गोली जिनको लगा उनको क्या क्या नाम? पंडित जी नाम है एक, तो पंडित जी नाम है एक, तो बलवा नाम है। कहाँ के रहने वाले थे? बहादुरपुर गुमती रोड नंबर 13 भी। क्या पता चला साहब? आज शाम को यहाँ मुसहरी में चाय पीने के क्रम में विवाद में गोली मारने की घटना हुई है, जिसमें एक बालक की मृत्यु हो गई है। पता चला है कि इस हॉस्टल से संबंधित कोई लड़का है जो ये घटना को अंजाम दिया है। उसी क्रम में हम लोगों ने हॉस्टल में चाय पी की, लड़का रह रहा है, कुछ संदिग्ध है जिनको चिन्हित करके हम लोग आगे गिरफ्तारी करवाए जाए। ये दोनों लोग कौन लोगों को गोली लगी है सर? ये दोनों यहीं मुसहरी के स्थानीय निवासी हैं, जो चाय वाय बेचने का और बाकी काम कर रहे हैं। मारने वाले का पता चला सर? मारने में संदेहास्पद तीन लोग हैं, जिनका आप लोग पुष्टि करके सत्यापन कर रहे हैं और आगे गिरफ्तारी की जाएगी। मैं तत्काल पकड़ ली जाएगी, तत्काल हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं।